हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वीवो Y20 फ़ोन है, अगर जी आपके पास वीवो के कोई सा भी फ़ोन है या फिर कोई सा भी आपके पास फ़ोन है, वीवो हो या MI हो, अगर जी आप अपने फ़ोन को रात को अगर जी जैसे यूट्यूब चलाते या फिर कुछ भी चलाते, फ़ोन को जब आप रख के सो जाते हैं तो सुबह आप देखते कि आपके फ़ोन की बैटरी की जो परसेंटेज 15 से 20% ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसकी दोस्तों क्या क्या कारण है और कैसे आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं इसका, और 100% इसका मतलब सोल्यूशन हो जाएगा और दोबारा आपका फ़ोन ऐसा नहीं होगा, तो आपको कुछ मतलब ट्रिक है वो जानना पड़ेगा और कुछ सेटिंग भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा क्या करते हैं कि मैं अगर कोई भी वीडियो बनाता हूँ, आप कमेंट करते हैं कि ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ये कीजिए। तो आप सबसे पहले गलती तो ये करते कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक नहीं देखते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पहले समझिए। अगर अगला बंदा अगर कोई भी बात अगर आपको बोलता है या फिर आपको समझाता है तो आपको पहले समझना चाहिए। अगर आपको समझना नहीं है तो आप वीडियो को यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, तभी आपकी समझ में आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम है और इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो आप तब हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं सारा चीज़ आपको मैं वीडियो में बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमारे फ़ोन की जो बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सबसे पहली वजह से कि आप वीवो का अगर फ़ोन करेंगे तो हमेशा याद रखना कि वीवो के फ़ोन में क्या होता है, क्या आपको वीवो के फ़ोन मतलब लुक में ही अच्छा मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसके अंदर इतना आपको मतलब अच्छी मतलब फ्यूचर नहीं मिलेंगे, जैसे कि बैटरी पिकअप वगैरह ऐसा मतलब इतना तेज नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप कभी भी क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि बैटरी फ़ोन को आप कभी भी रात में चार्ज में लगा के ना सोए, फ़ोन को हमेशा 1 से 2 घंटा चार्ज कीजिए। जैसे कि 80-90% हुआ, आप फ़ोन को चार्ज से निकाल लीजिए। आप क्या करते हैं कि फ़ोन को ज़बरदस्ती चार्ज में लगा देते हैं, पूरा रात छोड़ देते हैं, इससे आपकी बैटरी डैमेज हो जाती है और इसीलिए आपका बैटरी कम हो जाता है। तो दूसरी चीज़ हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि क्या होता है कि कई बार हम जब अपने फ़ोन को रात में लगा के सो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा चार्ज कम हो जाती है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, आपको क्या सेटिंग करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। तो आपके पास अगर वीवो का फ़ोन है, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अभी सैमसंग का फ़ोन है, तो आपके पास वीवो का फ़ोन होगा तो आपके फ़ोन में एक चीज़ हमेशा होगा बैटरी, जैसे कि बैटरी का एक ऑप्शन होगा। तो आपको अगर नहीं मिलेगा तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आना है ऊपर सर्च बार में, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको लिखना है बैटरी। जैसे कि आप बैटरी लिखेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको बैटरी का। तो आपको सिंपली बैटरी वाला ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, बैटरी यूसेज जो है इसमें क्या होता है कि आपकी मतलब फ़ोन की बैटरी सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप ने लिया है। तो हम इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं हमारा यूट्यूब, यहाँ पे 24% बैटरी इसमें मतलब खपत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब से सबसे ज़्यादा हमारा बैटरी में मतलब चार्ज कम होती है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे मेरा है व्हाट्सअप, लेकिन दोस्तों वो यूट्यूब से भी ज़्यादा एक ऐप ऐसा है जो आपकी बैटरी को डैमेज कर देता है और काफ़ी ज़्यादा वो चार्ज लेता है। वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे कि स्क्रीन को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन, जैसे कि आपका फ़ोन में अगर लोकेशन अगर ऑन रहेगा तो इससे आपकी बैटरी और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमेशा लोकेशन ऑफ रखना है। नंबर दो क्या है कि आप हमेशा जब भी रात को सोते हैं तो अपने फ़ोन की डाटा को ऑफ करके सोए, ठीक है। आपने इतने सेटिंग कर लिया, करने के बावजूद आपका फ़ोन में अगर चार्ज अगर ख़त्म हो जाती है तो इसका एक सोल्यूशन और क्या है कि अपने फ़ोन में सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको हर एक फ़ोन में अबाउट फ़ोन में या फिर कहीं पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट में आएंगे तो यहाँ पे आपको अगर आपका फ़ोन अगर अपडेट मांगे जब भी तो आपको अपना फ़ोन अपडेट करना चाहिए। आप अपना फ़ोन एक बार अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद क्या होता है कि आपका फ़ोन बिल्कुल नए फीचर आ जाता है, इससे आपकी बैटरी की पिकअप थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से आना प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आप अगर साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है माई एप्स के एप्स। यहाँ पे आने के बाद आपके पास जितने भी यहाँ पे ऐप होंगे उन सारे ऐप को आपको अपडेट करना है। एक बार आप सारे ऐप को अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद क्या होगा कि आपका फ़ोन पूरा जितने भी ऐप है सारा आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को आपको साइड से यहाँ पे क्लिक करके रिबूट करना है, जैसे कि यहाँ से रिस्टार्ट करना है, आपको पावर ऑफ नहीं करना है, रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद जब दोबारा आपका फ़ोन आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें करने के बावजूद आपका अगर बैटरी पिकअप अगर मतलब सही नहीं होता है, बैटरी पिकअप नहीं बढ़ता है,
फिर भी अगर आपका अगर चार्ज अगर खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में आपको अगर वीवो का फ़ोन है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डार्क मोड, जैसे कि मेरे फ़ोन में है यहाँ पे डार्क मोड। मैं यहाँ पे डार्क मोड में अगर क्लिक करता हूँ मेरा फ़ोन यहाँ से ब्लैक हो जाता है, ठीक है। डार्क मोड में आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन का सारा फीचर ब्लैक हो जाएगा। तो आपको अपने फ़ोन में आप अगर डार्क मोड करते हैं तो इससे काफ़ी कम मतलब आपकी बैटरी खपत होगी, तो आप अपने फ़ोन को चाहे तो डार्क मोड में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ आप करते हैं फिर भी आपका अगर बैटरी अगर पिकअप अगर नहीं बढ़ती तो आप समझ लीजिए कि आपका फ़ोन की बैटरी मतलब सही नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, आपको परेशानी होने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपने नया फ़ोन लिए उस समय तक सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद आपका बैटरी अगर ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन सारी सोल्यूशन को कीजिए और 100% आपका फ़ोन सही हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे कि मुझे एक लड़के ने कमेंट किया, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि आपके फ़ोन में आपने एक ऑप्शन दिखाया, जैसे कि चार्जिंग में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एनेबल या डिसेबल करने के लिए फास्ट चार्जिंग, तो ये Y20 में आपको नहीं मिलता है। दोस्तों ये मतलब नए फीचर आए हैं सिर्फ सैमसंग मोबाइल में आए, जैसे कि दोस्तों आप सबको ये चीज़ मालूम नहीं होगा कि अभी जो जितने भी नए फ़ोन आते हैं उसमें जो चार्जर आते हैं दोस्तों, चार्जर दोस्तों काफ़ी फास्ट चार्जर होता है। तो ऐसे ऐसे अभी चार्जर आते हैं जिससे कि 5 एम्पियर का 6 एम्पियर का ऐसे ऐसे चार्जर आ चुका है अभी, उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपका फ़ोन चार्ज होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो फ़ोन में जो चार्जर हमें मिलता है उसमें दोस्तों एम्पियर जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि एक अच्छी सी चार्जर खरीद के लीजिए और उस चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज कीजिए। हम कई बार क्या गलती करते हैं कि किसी भी चार्जर से, चाहे वो लोकल हो ओरिजिनल हो, किसी भी चार्जर से अपना फ़ोन को चार्ज करते हैं। चार्ज तो होती है, लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखिए कि आप अगर ऐसा अगर कोई भी चार्जर से अगर चार्जिंग करेंगे तो आपका फ़ोन तो चार्ज होगा, लेकिन दोस्तों उसमें दोस्तों आपकी बैटरी दोस्तों ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो बहुत जल्दी मतलब डाउन होता चला जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अच्छे चार्जर से चार्ज कीजिए, ठीक है। और आपके पास वोल्टेज भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये बात मतलब सुनने में आपको कड़वी लगती है कि वोल्टेज से क्या होता है या फिर चार्जर से क्या होता है, दोस्तों इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर जी आपका फ़ोन में अगर बैटरी अगर कम हो जाती है ऑटोमेटिक, तो एक बार आप एक अच्छे चार्जर से चार्ज कीजिए और जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो वहाँ से आप चार्ज कीजिए, और आप उसके बाद आप देखना आपकी बैटरी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब पिकअप रहेगी। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।